ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। पाँच किलो राशन दे रहे हैं, अब बताइए पाँच किलो राशन से कितने दिन खाएंगे, कितना खाएंगे? आप राशन क्यों दे रहे हैं फ्री में? आप फ्री में राशन मत दीजिए, रोजगार दीजिए। लोग रोजगार करेंगे, खुद कमा करके खा लेंगे। जब रोजगार नहीं है तो हमारे को आप मजबूरी में दे रहे हैं, वो लालच एक प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपको पाँच किलो राशन दे रहे हैं या दस किलो दे रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि आप ऑल पब्लिक जो नौजवानों बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार दीजिए, ताकि वो खुद पैरों पर खड़ा हो करके और वो अपना काम कर करके और खुद दाल रोटी खाएं। आप राशन बांटना छोड़ दीजिए। और हमने भी पहले मोदी जी को वोट दिया था 2014 में, और हम लोग सोचे थे कि नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करेंगे, इस वजह से हम लोग ने दिया और पूरी बहुमत से हम लोग ने लाया। और अच्छा काम कहा के लिए उनका पहला मुद्दा क्या था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था पेट्रोल की महंगाई को हम कम करेंगे। आज पेट्रोल कहाँ जा रही है, आज रोजगार कहाँ जा रही है? आप कितने पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, आप देखिए ना इसे, इसका उठा करके आप इतिहास देखिए उसके। बिल्कुल बिल्कुल 100% रोजगार है तभी पेट चलेगी, रोजगार नहीं रहेगी तो पेट नहीं चलेंगे। पहला मुद्दा रोजगार, हमें ना चाहिए फ्री का राशन, ना चाहिए फ्री का कुछ भी चाहिए हमें। पहला मुद्दा मंदिर मस्जिद है जी, मंदिर मस्जिद से पेट चलेंगे। अगर सारे मंदिर मस्जिद से पेट ही चलेंगे तो फिर क्यों है जो करें, फिर तो सारे हिंदुस्तान को मस्जिदें और मंदिरें बना दें। जी बिल्कुल, जी देखिए वोट नहीं, वोट तो मंदिर मस्जिद पे बात नहीं है, ये बात है मंदिर मस्जिद का नहीं, ये तो राजनीतिक और ये पॉलिसी है, पार्टी पॉलिटिक्स है ये जी। हाँ जी, ये कोई दिखा नहीं, हम मोदी सरकार से यही कहते हैं, निम्र है निवेदन है उनसे कि पहला नौजवानों को रोजगार दें, ताकि वो खुद पैरों पर खड़ा होकर करके और वो अपने काम को कर सके, जो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, ये आलसी बनवा रहे हैं, राशन दे करके आलसी बनवा रहे हैं। घर में बैठिए, अभी आप देखिए क्या बात कर रहे हैं सर जी, राशन क्यों दे रहे हैं आप, हम आपसे राशन मांग रहे हैं, आप रोजगार दीजिए ना, काम दीजिए, मैं खुद काम करूँगा। 5 किलो राशन से क्या महीना खा जाएंगे आप? उनसे 5 किलो से आपकी पूरी महीना चल जाएगी? नहीं चलेगी, फिर भी वो क्या करेंगे, 5 किलो के बाद क्या करेंगे, सरकार क्या फिर देगी? ये एक तरह का लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं 5 किलो राशन दे करके पब्लिक को। बाबा रामदेव का बयान बहुत ही वायरल हो रहा है कि मेरी पूछ उखाड़ेगा, एक सवाल पूछा रिपोर्टर ने कि आपने कहा था 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, अरे देखिए ये सब तो सारे उन लोग का जुमले का बात है, कहने का कुछ है करने का कुछ है। हाथी का 2 दांत होता है, एक दिखाने का एक खाने का है। कौन आती है? अब वही सरकार की बात हो रही है यार, क्या बाबा रामदेव का बयान आपने सुना है, कहते थे कि बीजेपी को वोट दीजिए 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा आपको, तो देख रहे मिल रहे हैं ना भैया आप? नहीं नहीं, बाबा जी ने कह रहे थे 40 रुपये लीटर मिलेंगे, आज मिल रहे हैं ना, आप खुद ही देखिए, आप भी पेट्रोल से चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, क्या 40 रुपये मिल रहे हैं? बयान बोलने में क्या है, आप बयान में जो भी बोल दीजिए। बाबा रामदेव के खिलाफ नहीं, हम बाबा देव के बारे में सपोर्ट में नहीं है, ना हम उसके खिलाफ में, हमें कहना ये करप्शन से हटाइए, मुक्त कीजिए, हम उसके खिलाफ में हैं। जो कहाँ मोदी जी कर रहे हैं, अगर मोदी जी करते तब फिर ये लोग पब्लिक ही नहीं आते यहाँ पे, फिर मतलब 100 लोग आ गए बिल वापस करवाओगे या 100 लोग से क्यों नहीं होंगे? फिर तो ये टाटा बिरला अंबानी का ही, एक दिन ऐसा समय आएगा कि टाटा बिरला अंबानी ही राज करेंगे, मोदी जी क्या है नहीं हो गया ऐसा में। हाँ दम्बानी तो हो ही गया है, हाँ हो गया है, तो करने वाले क्या हैं? आप ये देखिए, एक एक प्राइवेट सेक्टर में, हॉस्पिटल में जगह खाली है, हर सेक्टर में जगह खाली है, लेकिन क्या कर रहे हैं सारे प्राइवेट सेक्टर में, 10-10 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार रुपये के नौकरियाँ कर रहे हैं। देखिए इसमें एक इंसान 1 रुपये किलो कोयला निकालता है और उसे बढ़ाकर 40 रुपये किलो बेचता है और वो 600 लाख करोड़ रुपये का मालिक बन जाता है, विश्व में 100 नंबर में
एक उसका नंबर आ जाता है और देश में एक इंसान भूख से मर रहा है। ये अपने आप में ही गैर कानूनी काम है। इस तरीके से धन को अर्जित करना ये गैर कानूनी होना चाहिए। एक आदमी सारा पूरी स्थिति पूरा जितना हमारा ये हवा वायु इसमें एक पशु का भी अधिकार है। आपने कोयला उनके हाथ में दे दिया, आपने रेत उनके हाथ में दे दिया, मतलब सारे माफिया चल रहे हैं यहाँ पर और आम इंसान का कुछ नहीं है। कौन कर रहा है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सभी इसमें शामिल हैं। नहीं, इसमें ठेका देने की प्रॉपर एक बिडिंग होनी चाहिए। इसमें क्या हुआ कि 3G स्पेक्ट्रम आप एक आदमी को दे दोगे, आपने 4G स्पेक्ट्रम रिलायंस को दे दिया। अब आप क्या कह रहे हो कि ये जो अब जो नया बिल आ रहा है इसके अंदर आप रिलायंस को देने जा रहे हैं पूरा बिजली 2021, ये कैसे हो सकता है? ये जो बिजली की तारे हैं, ये जो खंभे लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े बिजली घर हैं, ये सब हमारे टैक्स पेयर के पैसों से अर्जित की हुई संपत्ति है। आप उसको एक निजीकरण कर रहे हैं। कोई उसको कोई उसके अंदर इतना कम पैसा होता है वो देश के 138 करोड़ टैक्स पेयर हैं। आप थोड़ी यहाँ पे 100 लोग आए हुए हैं, लोग कहाँ आए? हम 138 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब हमने मिलकर हम उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। आप क्या बात करते हैं, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये सिर्फ शुरुआत है। पिक्चर पूरी आएगी और बहुत जल्दी आएगी। किसान आंदोलन में आपने देख लिया, 100 शराब के ठेके हमने अभी बंद कराए हैं दिल्ली में। किसान आंदोलन का आउटपुट ये निकला कि तीनों काले कानून वापस हुए जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते थे, वो राष्ट्रीय मुद्दे थे ही नहीं, तब भी उनको वापस लिया गया। ये किसानों की ताकत है, हम आम लोगों की ताकत है। बनवाएंगे एमएसपी का जब कानून बनाएंगे तो उसका भी विरोध किया जाएगा। आजमाइश करो, जज्बे इनकलाब की आजमाइश करो, अपने तकदीर की नुमाइश करो। मतलब ये है कि जब तक अभी कहा ना हाफिज सरवर साहब ने कि दिन ऐसा आने वाला है कि कटोरा लेके हम लोग घूमेंगे, तो जब तक अपने आप को कहीं अब बताओगे नहीं तब तक आपको क्या मिलेगा। जज्बे इनकलाब की आजमाइश करो, अपने तकदीर की नुमाइश करो और देखो, पूछो इन रहनुमाओं से, पूछो इन रहनुमाओं से जिनको आप वोट देते हो, पूछो इन रहनुमाओं से और अपने उम्मीद की, अपने जो उम्मीद लगाते हैं अपने उम्मीद की पैमाइश करो कि आप जो वोट देते हो उस उम्मीद पे आप कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको। किस इस तरह कब तक भटकते रहोगे अंधेरों में, कब तक भटकते रहोगे अंधेरों में, कोई ख़ास अपना रहनुमा की पैरवी करो। यही बस मेरा ये है कि आप एक रहनुमा चुनिए, उसकी पैरवी कीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। बस धन्यवाद। आप ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।